गहलोत टीम के 101 विधायकों ने आलाकमान से मिलने की जताई इच्छा। अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला के सामने रखी मांग, कहा हम आलाकमान के सामने रखना चाहते हैं अपनी बात। प्रदेश में रोजाना हो रही 50,000 जांचें, टेस्टिंग ज्यादा होने से बड़ी मरीजों की संख्या। कोरोना पर बोले सीएम गहलोत, सरकार और प्रदेशवासियों ने डटकर किया मुकाबला। पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा रही। बीजेपी कर रही बदले की कार्यवाही, नोटिस पर ईडी ऑफिस पर पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कहा जुबान बंद रखने के लिए की जा रही कार्यवाही। जोधपुर में पाक विस्थापितों ने मुख्यमंत्री को बताई पीड़ा, गहलोत ने समाधान का दिया आश्वासन। 11 लोगों की मौत पर जताई संवेदना, कहा गरीब को तकलीफ ना हो यही सरकार की प्राथमिकता। सीएम गहलोत ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा आज देश में लोकतंत्र खतरे में, 5 साल चलेगी हमारी सरकार, लोकतंत्र में हार जीत से अहम नीतियां। सुशांत सिंह राजपूत पर एनसीपी सांसद माजिद मेनन का बयान, बोले मरने के बाद ज्यादा मशहूर हुए सुशांत सिंह, अपराध की जांच के वक्त गोपनीयता जरूरी। बीजेपी ने संजय राउत मेनन के बयान को बताया शर्मनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। इंफोसिस के को फाउंडर एम नारायण मूर्ति ने आशंका जताई कि इस बार आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट जीडीपी में दिखेगी। इसी बयान के सहारे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, लिखा मोदी है तो मुमकिन है। बेंगलुरु हिंसा मामले में एक्शन में कर्नाटक सरकार, गृह मंत्री का बयान, कहा उपद्रवियों से होगी नुकसान की भरपाई, आरोपियों की हो रही पहचान, अब तक 145 से ज्यादा गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, सेना का एक जवान शहीद, एक घायल, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। करगिल युद्ध में एक पायलट के तौर पर हिस्सा लेने वाली स्क्वाड्रन लीडर गुंजन सक्सेना पर बनी फिल्म, गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल को लेकर वायुसेना ने आपत्ति दर्ज कराई है। वायुसेना ने सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म को दी गई एनओसी रद्द करने की मांग की है। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम, बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी हुई प्रभावित, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 24 तक पहुंचा। हालांकि बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीम तैनात। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नाइक मोदी सरकार में तीसरे मंत्री हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हुए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से गाजियाबाद में हुआ निधन, अचानक बिगड़ी थी राजीव त्यागी की तबीयत। संजय दत्त के फैंस के लिए बुरी खबर, संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं, उन्हें तीसरे स्टेज का एडवांस कैंसर है, वो इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बातचीत करेंगे। इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा भी उठ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को कोरोना वैक्सीन लगाने के साथ ही रूस ने इस महामारी के सफल इलाज का दावा कर दिया है, तो वहीं अमेरिका ने रूस की कोरोना वैक्सीन पर संदेह जताया है। वहीं भारत कोरोना वैक्सीन बनाने के आखिरी चरण में है, भारत ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में है और अभी तक सभी चरणों पर भारत की कोरोना वैक्सीन सफल रही है। एक्सपर्ट्स टीम का कहना है हर बारीक से बारीक पहलू पर नजर रखते हुए इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने की होड़ तेज हो गई है। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 20 देशों से 1 अरब डोज का ऑर्डर मिला है। यूपी के अलीगढ़ में एमएलए राजकुमार सहयोगी की पुलिस वालों ने थाने में जमकर पिटाई कर दी। राजकुमार सहयोगी एक मामले में समर्थकों के साथ अलीगढ़ के गोंदा थाने पहुंचे। यूपी के कौशाम्बी में मुबारकपुर गांव में जन्माष्टमी के पर्व पर दूषित खोए का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, इसमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए मंझनपुर के जिला अस्पताल लाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के डंपरों का कहर लगातार जारी है। जिले के ऐतिहासिक बाबा टीकाराम धाम मंदिर तक जाने वाली सभी पक्की सड़कों को ध्वस्त कर तालाब बना दिया गया, प्रशासन पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है।
यूपी के महराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें पुरानी ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सवाल पूछने पर मनमानी करने का रौब झाड़ा। कृष्ण जन्माष्टमी पर दुल्हन की तरह सजी श्री कृष्ण की जन्मस्थली, लेकिन कोरोना के कारण मंदिरों में नहीं दिखी भक्तों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हुए आयोजन। पाली में फैक्ट्री का बॉयलर फटा, तीन युवक झुलसे, एक किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया असर। जयपुर के मुहाना में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने दो ठिकाने पर की कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली घी बरामद, आरोपी संचालक समेत दो गिरफ्तार। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के नाती नातिन पौत्र पौत्रियों को भी जिला और ब्लॉक स्तर पर स्थापित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश मिल सकेगा, इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अलवर के रैणी पुलिस थाने में एक कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला ने अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम के समक्ष परिवाद पेश किया, जिसमें रैणी थाने में मामला दर्ज किया गया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कई यूनिटों का शुभारंभ किया। वीसी के जरिए ऑनलाइन किए गए इस शुभारंभ में डिजिटल एक्सरे, नॉन कोविड आईसीयू सहित 6 यूनिट का आगाज किया गया। राजधानी के जगतपुरा में श्री कृष्ण बलराम मंदिर हरे कृष्ण मूवमेंट में भी जन्माष्टमी की धूम रही। हालांकि श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन ही यहां के जन्मोत्सव कार्यक्रम का आनंद लिया। यहां श्री कृष्ण बलराम की मनमोहक झांकी निकाली गई। उदयपुर के कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची रही। कोविड 19 के संक्रमण के चलते मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान आम भक्त नहीं रहे। मंदिर और श्रीनाथ जी की हवेली में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मतानुसार कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। इस दौरान भजन कीर्तन हुए। ग्रामीण इलाकों में मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लोगों ने घरों में ही जन्माष्टमी मनाई। उदयपुर जिले की बेकबिया पुलिस ने अवैध शराब से भरी पिकअप गाड़ी सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध शराब के 240 कार्टन जब्त किए। पेड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमाय दलपत के सारंगा खेड़ा में अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत राजीव गांधी सेवा केंद्र पर श्रमदान किया गया। इसके बाद मेहरबान सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। सुल्ताना कस्बे के किठाना गांव में जन्माष्टमी के पर्व पर बाबा मनभरदास गौशाला में गौ भक्तों ने गौ सेवा की और गायों को 5 क्विंटल दलिया खिलाया। गौशाला परिसर में निरंजन जानू और बजरंग लाल द्वारा हवन किया गया। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी में चारगाह विकास कार्यक्रम के तहत सरपंच हरिराम गोचर ने पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर सरपंच गोचर ने कहा, हमारा लक्ष्य पंचमुखी बालाजी परिसर को एक गार्डन के रूप में विकसित करना है। कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन के दफ्तर में एक कोबरा सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर राकेश सेन ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। कोटा में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। 128 नए पॉजिटिव केस सामने आए, इसमें महिला जेल में 4 और आरपीएफ थाने में 1 पॉजिटिव रोगी सामने आया है। वहीं सूरजपोल निवासी बुजुर्ग रोगी की अस्पताल में मौत हो गई। अजमेर में पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपियों से एक मोटरसाइकिल जब्त की है। ब्यावर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बाजार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्णय की पालना में प्रशासन और पुलिस को दखल देनी पड़ी। इसके लिए पुलिस ने माइक के माध्यम से मुनादी करवाई। उदयपुर के कुराबड़ वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने गीली लकड़ी और पत्थर परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई के दौरान रामजखेड़ा में गीली लकड़ी परिवहन करते हुए एक मिनी ट्रक को पकड़ा। कोटा के परकोटा इलाके में नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने नेवला पकड़ा है, जो भटकता हुआ रिहायशी इलाके लाडपुरा में आ गया था। वन विभाग की अनुमति के बाद जंगल में उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। उदयपुर के उबेश्वर महादेव घाट पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल एक अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरते गिरते रुक गया और करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। गनीमत रही कि मौके पर ज्यादा लोग नहीं थे, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर शहर के बड़गाम में आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ। यहां आवारा कुत्ते घरेलू मवेशियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुत्ते झुंड बनाकर बाड़े में घुसकर गाय और भैंस के बछड़े को आए दिन अपना शिकार बना रहे हैं। ब्यावर के पास जवाजा स्थित सामुदायिक केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हंस राजमीणा पर एक विधवा महिला ने अपनी पुत्री की डिलीवरी करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को एक शिकायत दी है।
भीलवाड़ा में आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने 6 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ शहर में कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। मसूदा के NH-8 पर खरवा पीपलाज मार्ग के मध्य पीपलाज टोल प्लाजा के पास बाइक से आ रहे 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरलोड वाहनों और परिवहन विभाग के अधिकारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हनुमानगढ़ जिला ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर के ट्रक ऑपरेटर सड़क पर उतरे। इसके तहत ट्रक ऑपरेटर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे। धौलपुर जिले में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव घर घर में मनाया गया। शहर के प्रतिष्ठित ऐतिहासिक तीर्थराज मंच कुंड और राधा बिहारी मंदिर पर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की रोक लगाई गई। खाटू श्याम जी में बड़े कोरोना मरीजों के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और बाजार पूरी तरह बंद करवा दिया। जीरो मोबिलिटी के साथ कस्बे की सीमाओं को भी सील कर दिया गया, जिससे कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा। मसूदा में एक ही परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, इसके बाद क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया गया। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार दुकान खोलकर लापरवाही कर रहे हैं, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में रोष है। देगाना में कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्वकर्मा मंदिर सहित सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई। श्री कृष्ण के जन्म के बाद आरती की गई। देगाना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर चिकित्सा विभाग द्वारा पंचायत समिति सभागार में विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए। BCMO डॉक्टर राम किशोर सारण ने बताया कि सिलिकोसिस के बचाव के लिए जागरूकता के लिए व्याख्यान हुआ। विजयनगर में गौरव पथ रोड से चंदा कॉलोनी तक नगर पालिका बजट से बन रही CC सड़क का पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला ने अवलोकन किया और ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश दिए। कोटा में रामपुरा बड़ी समाज के पास 6 फीट लंबा अजगर निकला, जिसे देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र में कोरोना से मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शहर के वार्ड 12 निवासी बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई। सूचना पर पहुंचे SDM अभिषेक चारण ने पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया। कोटा बैराज से डाउन स्ट्रीम में नदी में बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। पानी पर मरी हुई मछलियों की परत जम गई। ब्यावर स्थित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में शुगर की जांच करवाने आए शेरगढ़ सेंदड़ा निवासी बीरम की जेब से एक लकड़ी ने 2000 रुपए पार कर दिए। लड़की ने 2000 रुपए पार कर दिए। घटना के बाद लोगों ने लड़की और एक लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भीलवाड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई। कोरोना महामारी के चलते भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिरों के दर्शन सोशल मीडिया और डिजिटल संसाधन से करवाए गए। अलवर के खैरथल में जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य पर इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया गया। इस दौरान पूजा अर्चना कर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खात्मे की कामना की गई। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि जांच रिपोर्ट में 6 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 751 पहुंच गया है। कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्माष्टमी पर्व पर भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक किया, साथ ही श्री कृष्ण की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की भी कामना की। जन्माष्टमी के मौके पर भरतपुर जिला कलेक्टर नथमत डिडेल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने बिजली घर से कुम्हेर गेट तक बाजार का जायजा लिया। श्रीगंगानगर में कोरोना महामारी के चलते जन जागरूकता रथों को रवाना किया गया। CMSO डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा ने जन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके जरिए नगर परिषद क्षेत्र में सभी 65 वार्डों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। झालावाड़ के आजमपुर गांव में खेतों से मोटर पंप चुराने वाला चोर गिरोह सक्रिय है, जिसके चलते गांव के अलग अलग किसानों के 5 मोटर पंप चोरी हो चुके हैं। वहीं अब चोर कुएं से पाइप काटकर मोटर पंप और केबल चोरी करके ले गए। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मार्च पास्ट का पुलिस जवानों द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया, साथ ही योग और प्राणायाम का भी पूर्वाभ्यास किया गया।
उदयपुर के बुताला गांव में सर्पदंश से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है महिला खेत पर काम कर रही थी, इस दौरान महिला को सांप ने डस लिया। वहीं अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जयपुर के रणजीतपुरा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक स्वतंत्रता दिवस समारोह और कोरोना जन जागरूकता को लेकर आयोजित हुई। इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बीकानेर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। यहां भी जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में जिले में तुलसी कुटीर में विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां सजाई गई। देसरू में एक किशोर ने अपनी सलून की दुकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच निर्देश दी। श्रीगंगानगर के 25 पीटीडी गांव में मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर घायल हो गई। घायल महिला का राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी है। शव परिजनों ने थाने में मर्ग दर्ज कराई। संत नामदेव ट्रस्ट और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में सिंधी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जन्माष्टमी के दिन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित पूज्य सिंधी पंचायत भवन में समाजसेवी पुरुषोत्तम दास पोत चंदानी और भगवान कलवानी की स्मृति में सम्मानित किया गया। सादरी थाना क्षेत्र के सिंदरली गांव में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ उत्सव मनाया गया। यहां लड़कों द्वारा बिना तार के विद्युत पोल पर रस्सी बांधकर मटकी फोड़ने का उत्सव मनाया गया। तभी विद्युत पोल अचानक गिरा, एक लड़के ने भागकर अपनी जान बचाई और बड़ा हादसा होते होते बच गया। धौलपुर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए चल रही निःशुल्क कोचिंग का भरतपुर महानिरीक्षक संजीव कुमार नर्जरी ने अवलोकन किया। साथ ही बच्चों को सफलता प्राप्त करने के गुर बताए। इस दौरान आईजी नर्जरी ने एसपी केसर सिंह शेखावत द्वारा की गई इस अनूठी पहल की सराहना की। चाकसू के वार्ड 1 स्थित रावताला बांध की पाल में सुराख होने के चलते पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास रहने वाले लोग चिंतित होते नजर आए। सूचना पर नगर पालिका द्वारा जेसीबी की मदद से रिसाव को रोका गया। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जयपुर के बगरू स्थित उती के भैरू इलाके में 200 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। सामाजिक संस्था IBC ने लोगों को जागरूक करते हुए मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। जयपुर के सांगानेर में अखिल भारतीय यादव महासभा राजस्थान के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर का शुभारंभ समाज के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में युवाओं ने रक्तदान कर संदेश दिया। जन्माष्टमी के मौके पर धौलपुर जिले में मेघ जमकर बरसे, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं लोग बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए, वहीं किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए। बूंदी के निमोठा गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक विद्युत कर्मियों के साथ हेल्पर का काम करता था। युवक कृषि कनेक्शनों की रीडिंग के लिए गया था, जहां एक खेत में युवक को करंट लग गया। रामदेवरा पुलिस थाना इलाके में लोहारकी गांव के पास चोरों ने मोबाइल टावर से बैटरियां चुराने का प्रयास किया। बैटरी चोरी करने के दौरान एक चोर घायल हो गया। इस पर ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। अलवर की बांसूर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अश्लील वीडियो और फोटोज वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को ब्लैकमेल करता था। अलवर के बांसूर में पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से मामले में फरार था। थाना प्रभारी नरेश चंद शर्मा ने बताया, गत वर्ष अगस्त माह में आरोपी ने एक दुकान के बाहर से डीजे वाहन चुराया था, जिसे हरसौली में बरामद किया गया। अलवर की खैरथल थाना पुलिस ने कोरोना के चलते प्रशासनिक आदेशों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की। थानाधिकारी दारा सिंह मीणा ने इलाके में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करने वाले लोगों के चलान किए। झालावाड़ में अगस्त क्रांति सप्ताह के आयोजन को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित की। इस दौरान अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। धौलपुर में खोलारी थाना अधिकारी ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने शराब के कार्टन में लदे टेम्पो को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से भाग निकला। प्रतापगढ़ में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 226 तक पहुंच गया। वहीं राहत की बात यह रही कि 6 संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। किशनगढ़ बास में घाटा बम्बोरा की श्रीकृष्ण गौशाला और हनुमान मंदिर परिसर सहित अनेक स्थानों पर पौधे लगाए गए। रिटायर्ड शिक्षा उपनिदेशक विष्णु स्वामी एवं प्रबंधक प्रबोधक संघ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 101 पौधे लगाए गए। झालावाड़ के दुर्गपुरा रोड स्थित कब्रिस्तान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीरत पार्क वेलफेयर सोसाइटी की ओर से करीब 300 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
प्रतापगढ़ में मॉनसून इस साल कमजोर देखा जा रहा है। जिले में अभी तक औसत की 36% बरसात हुई है। जिले के अधिकांश जलाशय अभी खाली हैं। मॉनसून की इस बेरुखी के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। धौलपुर के सेपो में दो अलग अलग जगह पर हुए हादसों में 3 लोग घायल हो गए। पहला हादसा दनौरी मढ़ी मंदिर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाई घायल हुए। वहीं जबकि दूसरी घटना महादेव गांव के पास पिपरीपुरा मार्ग पर हुई, जहां एक महिला चलती बाइक से गिरने से घायल हो गई। मुंडवा के पोकड़ी तालाब स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान अखंड भारत के नक्शे का पूजन किया गया और मां भारती की आरती उतारी गई। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे सहित अन्य इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों और मार्गों में पानी भर गया। वहीं बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत रेवदर उपखंड क्षेत्र में पंचायत समिति सभागार में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी रामजी भाई कल्बी की मौजूदगी में 25 कर्मवीरों का सम्मान किया गया। सेपो में मॉनसून की पहली अच्छी बारिश हुई, बारिश के चलते किसान खुश होते नजर आए। हालांकि इस बार बारिश के चलते लोगों को थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। बसई नवाब के मनिया मार्ग पर नाला निर्माण नहीं होने से बरसात का पानी कई घरों में भर गया। अलवर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महाविद्यालय परिसर एवं खेल मैदान में 200 पौधे लगाए गए। सेपो के सहरौली गांव के काश्तकारों ने SDM को ज्ञापन देकर तहसीलदार गिरधर मीणा के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें तहसीलदार पर लेनदेन करके नामांतरण की अपील पर फैसला करने का आरोप लगाया गया है। राजसमंद के रेल मगरा थाना इलाके के दरीबा बस स्टैंड के पास स्थित मोबाइल शॉप से चोरी होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी की बताई निशानदेही के आधार पर पुलिस ने 35 मोबाइल फोन बरामद किए। बाड़मेर शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके चलते इन 10 वार्डों में बैरिकेडिंग की गई, बावजूद इसके लोग यहां प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी करते नजर आए। श्रीगंगानगर में गजसिंहपुर के एक नहर में लोहारा हेड पर अज्ञात लोगों ने मिट्टी के कट्टे डालकर पानी को रोक दिया, जिसके चलते पानी का प्रवाह रुक गया। लोहारा हैंड से पानी आगे नहीं बढ़ने पर किसान मौके पर पहुंचे। यहां किसानों ने मिट्टी के कट्टे हटाकर लोहारा हैंड को खोला।